सिराज क्या हो गया? बुला लो यार, पता नहीं क्या होना है। ऐसे क्या लिख के दे दिया? अनपढ़। जब अनपढ़ हो तो दो घंटे से लेके क्यों बैठी हो? अरे बुलाओ मुझे, मेरे को अटैक आ जाएगा। अच्छा बुला दो, टेंशन नहीं, बुला दो बुला दो। हम बुला लो, कोई okay. नहीं, वोट कर देना। तो चल चुका है कौन आ रही है, लेकिन शेर सुनिए। मैं तुम्हें आजमा चुकी हूँ, तुम मुझे आजमाते क्यों नहीं हो? शुक्ला इन लड़कियों के साथ क्यों बैठे हो? मेरे पास आते क्यों नहीं हो? प्लीज वेलकम चैनल। फॉर्मेलिटी कर लो थोड़ी सी। सत श्री अकाल सबको। सत श्री अकाल। आपको पता मैं कौन हूँ? देखो मारा ये होता है, ये नहीं कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करते रहो, अपना ही नाम लेते रहो। मैं मारू मैं मारू मैं मारू, फिर सवाल आता है। हाँ सच, पारस तू क्या कहता था कि मैं इससे जलती हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है? गलत फहमी में देखो, है कोई प्रॉब्लम मुझे? सुना फिर असलियत। सलमान सर ने ना मुझे पंजाब की कैटरीना कैफ बोल दिया है। yeah! और तुझे लगता है मैं इससे चलूंगी? अबे ये है कौन? वैसे आप सबको एक बात बताऊं, मैं मुझे ना इस घर में ना एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरी फेवरेट है वो। पता कौन? सेना। वो तो आपकी हूँ ना। सच में एक सच्ची बात बता रही हूँ दिल से के हाय, बैठ तू थोड़ी देर। चैनल पहली बार बैठ के कर रहा है कोई बिग बॉस के घर में। मुझे इसकी एक्टिंग ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग ये करती है। पता है क्यों? मेरे को बोल रहा है ना इंसान। इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये सच बोल रही है या झूठ। याद नहीं आ रहा है, अपने बारे में पढ़ लिया। आपको सबको पता ना इन सब ने मुझे कितना तंग किया जब मैं कैप्टन थी। और आपको पता तब तो मैं दंड दे नहीं चुकी सकीन को, अब मैं इनको दंड सोचे हुए मैंने देने के लिए दो दे 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 वो दे। मेरे को ना ये मैंने प्लान किया था, मुझे भूल जाएगा, मैं जानबूझ के ये एक्टिंग करके यहाँ पे पढ़ूंगी। ओके, पहला दंड मैंने सोचा है तो मैं दे रही हूँ। माय फेवरेट यू। यही दंड है? देती वहाँ पे सोती रहती जितना मर्जी, जब कुकड़ू कुकड़ू की आवाज नहीं आती फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, खुद करती हूँ। बोलो मुझे शर्म आ रही है। क्यों? क्यों? मैं नहीं बताऊं, पहले टेंशन दो अच्छी तरह। बोलो क्यों? क्यों? सोचो अगर मेरी और सिद्धार्थ की शादी हो जाए।
अगर हो रही है तो हमारी शादी में आसिम होगा नाराज जीजा। ये पता पहला जीजा होगा जो सालियों से भी ज्यादा सुंदर होगा, चिकना जन होगा। और आपको एक बात बताऊं, आपको बाहर में थक गई हूँ, हमारी शादी में वो भी आएगी जो शादियों में झगड़े लगवाती है, जैसे मासियां बुआ नहीं करवाती वहां पे जब शादी होती, क्लेश डलवा देती है ना, तो वो पता कौन होगी? शिफाली जरीवाला। अब बात है उसी कनाडा वाली है। पता इसको मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे मुझे ये नागिन फोर लगती है। भाई जान कुछ क्या कर रहे हो ना, अभी पता चल रहा है। तो चलो मेरी और सिद्धार्थ की सपने में कर देते हैं। अब मैं एक ना वार्निंग देना चाहती हूँ कुछ लड़कियों को, ये जितनी भी बैठी है ना कान खोल के सुन लो मेरी। मैंने ना 3 महीने पूरी मेहनत की है इसको पटाने के चक्कर। तुम जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी जगाड़ ला लो, तुम इसके नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो महीना रह गया, फायदा कोई है नहीं, क्योंकि 3 महीने मैंने बहुत कुछ किया है, इसका इतना गंदा एटीट्यूड है ना। तो मैं क्या बताऊं? और ना, और अगर मान लो ये पट भी जाता है किसी से, तो मेरी जैसी कोई बनके तो दिखाए। अपनी तारीफें तो करा के दिखाए, जैसी मेरी वो आंख की, लिप्स की, नोज की करता है। अलाउड नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये एंड है मेरा, मुझे आज तक किसे इतना कुछ मिला मैंने प्राउड फील नहीं किया, बट दो चीजों पे मैं खुल के एक ठोक के बोल सकती हूँ मुझे प्राउड फील होता है, पता है क्या? पहला मेरा बिग बॉस में आना और इतने लोगों को बीट करना, और दूसरा प्राउड टू बी एन पंजाब बन गर्ल। परफॉर्म किया है पढ़ के चीटिंग करके। तालियां यार, क्या यार, सुनो ना यार, वो एक बार और कर दो, वो जो डांस किया था। हाँ, आ जाओ मेरे को सिखा। करना तुम लोग, तुम लोग भी करो। अरे कितना सुंदर अभी, पहली दुल्हन होगी जो फूफा के साथ नागिन डांस कर रही होगी अपनी मेहंदी छोड़ के। पर क्या परफॉर्म किया, क्या एनर्जी दी है। तो आप लोग जल्दी से बोल करो। कर दी तो बोलो। खूबसूरत है बालों से, खूबसूरत है बदन से, खूबसूरत इनका डोला है। खूबसूरत है बालों से, खूबसूरत है बदन से, खूबसूरत इनका डोला है। इतना क्यों लड़ते हो, बचपन से दिक्कत है या डॉक्टर ने बोला है? सलाम नमस्ते दोस्तों।